आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया 5G के ऊपर आ चुका है बहुत बहुत बड़ा अपडेट। दोस्तों, अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं और वीआई के 5G के बारे में इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस कीजिए, क्योंकि फाइनली वोडाफोन आइडिया कंपनी दो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर रहा है अपने 5G सर्विसेज को चलाने के लिए। एक है सैमसंग और एक है मावेनेट। मावेनेट एक US बेस्ड कंपनी और सैमसंग साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी, आपको पता है। तो ये दो कंपनी के साथ वोडाफोन आइडिया किस तरीके से पार्टनरशिप यहाँ पर कर रहे हैं और बाकी जो कंपनी के साथ ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया काम कर रहा था उनके साथ काम यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, पर्टिकुलरली मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियली काफी ज्यादा कैश स्ट्रैप्ड कंपनी है। इससे पहले वोडाफोन आइडिया नोकिया, इरेक्शन, सिस्को, ZTE, हुआई, ये सारे कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ZTE और हुआई जैसे कंपनी के साथ काम करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है और इसके बाद मेनली वो कंपनी के साथ वो काम नहीं कर सकते। लेकिन 4G की बात करता हूँ या 3G 2G की बात करता हूँ, ये सारे सर्विसेज जो वो वोडाफोन ये सारे चाइनीज ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके बनाया था। लेकिन अगर मैं 5G की बात करता हूँ तो नोकिया और इरेक्शन वोडाफोन आइडिया को ये ओपन ऑफर दिया था कि वो अगर चाहें वोडाफोन आइडिया अपने 5G का काम नोकिया और इरेक्शन के साथ मिलकर कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये बताया गया था कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ क्रेडिट पर ये सारे कंपनी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले वीआई कंपनी को प्रीवियसली जो कर्जा भी बाकी है उसे चुकाना होगा और नए से मॉडेम्स या जो इक्विपमेंट्स है उसे ऑर्डर देने के लिए जो पैसा है वो पहले देना होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सप्लाई होंगे। तो वोडाफोन आइडिया इससे राजी नहीं हुआ क्योंकि वीआई कंपनी के पास अभी के टाइम के अंदर उतना पैसा नहीं है। तो फाइनली वोडाफोन आइडिया कंपनी नोकिया और इरेक्शन जैसे कंपनी का ऑप्शंस को यहाँ पर छोड़ दिया। अभी के टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी सैमसंग और मावेनेट जैसे कंपनी के साथ काम कर रहा है। हालांकि सैमसंग के साथ जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया कर रहा है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर जो 5G टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है वो कर रहा है VRAN यानी वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। देखिए, नॉर्मली बाकी जो कंपनी 5G का टेस्टिंग कर रहा था एक तो ORAN के ऊपर कर रहा था और कुछ कंपनी सिंपली RAN के ऊपर कर रहा था, लेकिन VRAN एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो ORAN और RAN के बीच में आते हैं, जो काफी ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। काफी कम खर्चों के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी 5G NSA यानी नॉन स्टैंडर्ड लोन आर्किटेक्चर के ऊपर अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं, जिसके अंदर जो कोर नेटवर्क रहेंगे वो VI के 4G रहेंगे, लेकिन कस्टमर्स को 5G सर्विस यहाँ पर मिल सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी तमिलनाडु के 20 ऐसे साइट्स है जहां पर सैमसंग के साथ काम करके ऑलरेडी उनका जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कर रहा है। देखिए, एक पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी कुछ अगर दूसरे कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना होता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक टेक्नोलॉजी एक कंपनी अगर एडॉप्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी के साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल है या कंपनी जिस अमाउंट ऑफ रिजल्ट यहाँ पर चाहते हैं क्या वो दूसरा कंपनी दे पा रहा है या नहीं पा रहा है, उसका सबसे पहले टेस्टिंग होता है, जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से BSNL 4G लॉन्च के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना पड़ा था, ठीक सिमिलर तरीके से सैमसंग भी यहाँ पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए काम कर रहा है जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। तमिलनाडु के 20 साइट्स के अंदर किया जा रहा है वोडाफोन आइडिया के 5G टेस्टिंग जो VRAN के ऊपर बेस करके हो रहा है, और मावेनेट के साथ भी यहाँ पर VI कंपनी आने वाले टाइम के अंदर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक मावेनेट के साथ ये काम जो है ये फाइनल स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच पाया, लेकिन बहुत ही जल्दी पहुंच पाएंगे। रिसेंटली एक काफी बड़ा अपडेट VI कंपनी की तरफ से निकल के आया था कि VI कंपनी को 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, और ये इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद VI कंपनी का सबसे पहला जो काम होंगे वो होंगे 5G इक्विपमेंट्स का ऑर्डर देना। तो ऑलरेडी सैमसंग के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब सैमसंग VI कंपनी के लिए अपने 5G इक्विपमेंट्स को बनाएंगे अगर VI कंपनी को सही ढंग से उनका जो पेमेंट है वो यहाँ पर मिल जाते हैं या जो फंडिंग है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। रिलायंस जो के साथ सैमसंग भारत के अंदर 4G के साथ काम किया था, अभी भी 5G के कुछ मॉडल्स जो है वो रिलायंस जो के लिए बना रहे हैं सैमसंग, लेकिन मैक्सिमम जो रिलायंस जो का सप्लाई है वो मेनली पूरे तरीके से इंडिजिनियस वे से हो रहा है, मतलब पूरे तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो भारत के अंदर बना हुआ हो रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी कोई भी इंडिजिनियस कंपनी के साथ नहीं जाएंगे, वो मेनली फॉरेन इंटरनेशनल वेंडर्स के साथ ही अपना काम जो वो यहाँ पर करेंगे ताकि लोगों को बहुत ही सुपीरियर सर्विस यहाँ पर मिल पाए। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए कुछ राहत के सांस है, अभी देखते हैं फाइनली कब VI कंपनी को फंडिंग यहाँ पर मिल पाते हैं और कब वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 5G इक्विपमेंट्स का ऑर्डर देते हैं।
ऑलरेडी वीआई कंपनी 17 सर्कल्स के अंदर 18,000 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम परचेस कर लिया है, जिसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है। उसी के साथ 16 अगस्त 2023 से पहले वीआई कंपनी को अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करना था, जो भी यहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ है। मतलब 16 अगस्त से पहले वीआई कंपनी अपने 5G सर्विस को लॉन्च नहीं किया, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेवी पेनाल्टी जो है वो वीआई कंपनी के ऊपर लगाया जाएगा। अभी देखते हैं ये पेनाल्टी कितने अमाउंट होते हैं। हालांकि एक अजम्पशन जो है मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। तो ये सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे कुछ समय लगा तो ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।